बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी सेकंड ईयर का मैथ। आज हमारे पास जो सबसे अहम टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हम एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए डिफरेंशियल कैसे लेते हैं, इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेटिव को, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल को। देखिए हमारे पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारे पास जो एक्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब हम डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशियल को हम डी से डिनोट करते हैं, डी इंटू वाई डी एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई एफ डैश ऑफ एक्स, फिर हम लेंगे एक्स का डिफरेंशियल तो क्या आएगा डी एक्स। तो नोट कर लें, हमारे पास जो y का डिफरेंशियल होगा, y का डिफरेंशियल डी वाई ले होगा, x का जो डिफरेंशियल होगा उसको हम डी एक्स कहेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिफरेंशियल आ गया डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये किसका मल्टीपल है, डी एक्स का, इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स को हम कहते हैं कोफिशेंट, डिफरेंशियल कोफिशंट्स। एफ डैश को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशंट्स। अगर आप देखें आपने डिस्कस की थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन, वो क्या थी, डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी एफ डैश ऑफ एक्स, अगर इसको मुकम्मल लिख लिया जाए वो था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, जिसको मैंने लिखा था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमारे पास थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन जिसको हमने डिस्कस किया था चैप्टर टू में। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर आप देखें तो ये किसकी डेफिनेशन बनती है, डिफरेंशियल की। डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इन टू डी एक्स। अगर आप देखें तो y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशियल आएगा डी वाई, और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका डिफरेंशियल लिखेंगे आप डी एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं x क्यूब का, तो पहले वही फार्मूला पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम। तो अब आप देखें अगर एक्स क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब, अब देखें ये पावर को शो करता है, पावर है यानी एक्सपोनेंट है, और ये हमारे पास क्या है फंक्शन है। तो आप रूल पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फिर हम लेंगे एक्स का डिफरेंशियल, डिफरेंशियल को हम डी से डिनोट करते हैं डिफरेंशियल को। तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री एक्स के डी एक्स। इसी तरह जब आप विद रिस्पेक्ट टू लेंगे वाई का डिफरेंशियल लेंगे वाई की पावर फोर, फॉर एग्जांपल पहले पावर रूल, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, तो यहाँ देखें फंक्शन क्या है वाई, वाई का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा डी वाई। ये हमारे पास डिफरेंशियल की डेफिनेशन थी। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 3.1, लेकिन जो हमारे पास चैप्टर 3 है वो इंटीग्रेशन का है, जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 2 है फाइंड डी वाई एंड डेल्टा वाई। अगर आपको याद हो जो एक्स में एक्स का इंक्रीमेंट था वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, जो वाई में इंक्रीमेंट था वो वाई प्लस डेल्टा वाई था। हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई और डी वाई। देखें डेल्टा वाई तो इस डेफिनेशन से आएगा, और जो डी वाई है वो जो हम अभी पढ़ी है डिफरेंशियल की डेफिनेशन, उसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। देखें हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स व्हेन एक्स चेंजेस
टू से वन प्लस डेल्टा वन वन पॉइंट एट अगर आप देखें तो आपके पास चेंज क्या था, एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अगर आप देखें तो एक्स किसके इक्वल हैं, टू के इक्वल हैं, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 1.8 के। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू क्या है, टू, यहाँ रिप्लेस करें, टू प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1.8। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, 1.8 माइनस टू, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस पॉइंट टू। हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ गई। यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट नोट मैंने दो लिखे हैं, ये वाले देखें, डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा एक्स होगा, यही आप कंसीडर कर लें या तसव्वुर कर लें, जो डेल्टा एक्स है वो डी एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह जो डेल्टा वाई है वो अप्रोक्सीमेट बराबर होगा डी वाई के। इसी को भी आप इसी तरह ले लें, डेल्टा वाई डी वाई के इक्वल होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो y का चेंज है, अब हम अप्लाई करते हैं y का चेंज, y प्लस डेल्टा y, x का चेंज x प्लस डेल्टा x, x का चेंज x प्लस डेल्टा x। हमने क्या किया, यहाँ x है वहाँ रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा x, यहाँ y आ रहा है वहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया y प्लस डेल्टा y, y है y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x प्लस टू इन टू x प्लस डेल्टा x। अब गौर कर लें, आपके पास x प्लस डेल्टा x की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, और डेल्टा x की वैल्यू रिप्लेस कर दें, यहाँ x प्लस डेल्टा x 1.8 का स्केयर प्लस टू x प्लस डेल्टा x 1.8 माइनस x की वैल्यू 2 का स्केयर प्लस टू इन टू टू। देखें ये फैक्टर कहाँ से आया, y को आप क्या करें, y को उधर माइनस कर दें, जब y को आप इधर माइनस करेंगे, y को माइनस करेंगे तो y की वैल्यू क्या है, वो पुट कर देंगे y की वैल्यू एक्स स्केयर प्लस टू डेल्टा x। इसको कैलकुलेटर से, इनको कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.16। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ करें, देखें 1 के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है, 6। देखें अगर ये डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट डिजिट को आप एक इंक्रीज कर देते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट -1.12। अब हम फाइंड करेंगे डी वाई की वैल्यू, हमारे पास वही फंक्शन गिवन है, देखें y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स, डिफरेंशियल लिया मैंने डी वाई, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया एक्स स्केयर प्लस टू एक्स। देखें एक्स स्केयर का डिफरेंशियल वही फार्मूला, पहले पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में उसकी पावर एक कम, फंक्शन क्या है x, x का डिफरेंशियल डी एक्स, यहाँ हमारे पास डिफरेंशियल लें 2x का, 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशियल तो क्या आएगा 2 डी एक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 2 और डी एक्स कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू है, देखें x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, मैंने 2 रिप्लेस कर दी प्लस 1, और डी एक्स की मैंने कहा, अभी आपको बोला था कि डी एक्स अप्रोक्सीमेट डेल्टा x, देखें डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं -1.12। और इसी तरह आप देखें डी एक्स, यहाँ देखें डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है -0.2। मैंने डेल्टा एक्स की वैल्यू क्योंकि आपको पता है कि डी एक्स डेल्टा एक्स के बराबर है, डी वाई डेल्टा वाई के बराबर है, सॉरी ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ये डेल्टा वाई की है, डेल्टा वाई की वैल्यू हमने निकाली थी -0.12, और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो देखें आंसर क्या आया -1.2। अगर आप गौर करें डी वाई और डेल्टा वाई, देखें दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स आर डी एक्स ओवर डी वाई। देखें डिफरेंशियल की मदद से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देखें ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। देखें मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं,
हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशियल को हम डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिफरेंशियल, डी एक्स वाई प्लस डी इंटू एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कॉन्स्टेंट। तो देखिए जो दो फंक्शन फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन एज इट डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी से डिफरेंशियल प्लस डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल ज़ीरो, या जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप डी एक्स कॉमन ले लें, एक्स डी वाई, डी एक्स कॉमन आ गया, वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स डी वाई, इसको तो माइनस कर दें, माइनस वाई प्लस वन डी एक्स, इसको इधर डिवाइड कर दें, इसको उधर डिवाइड कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स। ये किसका आंसर आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स का। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स ओवर वाई प्लस वन, तो ये किसका आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई का। यानी डी वाई ओवर डी एक्स निकालने के बाद उसका क्या कहें आप, रेसिप्रोकल।